सदर प्रखंड के पांडेयपट्टी तथा लालगंज इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेतों में आग लग गई। घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, तुरंत ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। लोग बाल्टी तथा अन्य माध्यमों से पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच किसी ने अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग सबसे पहले पांडेयपट्टी के खेतों में लगी, जिसके बाद वह लालगंज की तरफ बढ़ने लगी। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तरफ जहां दिन में बिजली नहीं होती है, वहीं आज दिन में बिजली आ गई। बिजली आने के बाद खेतों में बिजली के तारों से चिंगारी निकली और इसी चिंगारी की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते गेहूं के खेत में आग फैलने लगी और लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी। लोगों ने सबसे पहले तो अपने स्तर से प्रयास कर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन बाद में जब आग विकराल रूप धारण करने लगी तो लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ है, इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। अग्निशमन पदाधिकारी सत्यदेव सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आग किन कारणों से लगी है यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइन से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होके लाइन से लागल बटे आग पूरा देखते बने कुल नजारा मैं जरूरत है बस्ती के बीच में बात। हाँ, नया मकान बटे अपन कुले ने बनल अभी वही में केन्यू से लागल भाई कुल आग ये बात बुझा था देखो तो नहीं कि स्थानीय लोग भी बुझा होता। हाँ, गाड़ी वाली भी फायर ब्रिगेड वाली बतावल जाता कहीं कहीं पानी कमी बटे अपन चलता है इधर बतावे काम धाम होती है लागल बा गाँव में जनता देखा है कुल नाम नाम सोनू कुमार पड़ी लालगंज। हाँ, यहाँ बता दें कि खेतों में अगलगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले ही दिनों किटारी के बगही में भीषण अगलगी की घटना सामने आई थी। आग बुझाने के क्रम में चार लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिसमें एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। फिलहाल एक व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। अगलगी की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि खेतों में आग लगे और जान माल का नुकसान होने की संभावना बने। बक्सर से चंद्रकांत निराला।